my dear resident. I, Rakesh Chaudhary, welcome you all on this YouTube channel, Power of Physics, where you will learn the physics in easiest and simplest way. As we were discussing our chapter of second physics, photoelectric effect, and in today's class, aaj hum seekhenge is chapter ka sabse important segment, de Broglie hypothesis. Aur important bhi hai, thoda sa confusion bhi hai, aur kai baar padhne ke baad bhi ye samajh mein nahi aata hai, to aaj isko apan sabse simplest way mein samjhenge ki de Broglie hypothesis thi kya. Uske liye sabse pehle main aapko bata chuka hu dual nature of light, ki jo light ka nature hota hai bachcho wo kaisa hota hai, dual hota hai, ki light mein jo properties hoti hain wo do alag alag tarike ki properties hoti hain. Ek pehle bhi humne discuss kiya tha particle, aur सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो कैसी होती है, वेव नेचर की होती है. अब पार्टिकल, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट था जो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, और न्यूटन ने वहां पर लाइट का जो रिफ्लेक्शन है उसको प्रूव करते हुए बताया था कि लाइट होती है वो कैसी होती है, पार्टिकल नेचर की होती है. और उसके बाद में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया, और उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद में आया कॉम्पटन इफेक्ट, रेडिएशन थ्रू द ब्लैक बॉडी. तो ये जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट बाद में हुए थे, इन सारे एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया था कि हाँ, लाइट जो है वो कैसी होती है, पार्टिकल नेचर की होती है. जब भी लाइट ट्रेवल करती है तो वो किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है. बट एक चीज को तो हम छोड़ दिया, वेव थ्योरी जो किसने दी थी, हाइगेन ने दी थी, उन्होंने भी तो उस चीज को प्रूव किया था. उन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न में ये चीज प्रूव कर दी थी कि लाइट जो है वो कौन से नेचर की होती है, वेव नेचर की होती है. लाइट जो है वो इस तरीके से ट्रेवल करती है. और इंटरफेरेंस में जब आप पढ़ोगे पीछे वाले चैप्टरों में, तो वहां आपने पढ़ा होगा कि दो तरीके के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दो लाइट वेव्स अगर सेम फेज में आपस में सुपर इम्पोज होती हैं, तो वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनती है. और जब दो लाइट वेव अगर अपोजिट फेज में आपस में सुपर इम्पोज होती हैं, तो वहां पर एक डार्क फ्रिंज बनती है. तो वो कौन सा पैटर्न था, इंटरफेरेंस. और वहां कहा था कि लाइट जो है वो ऐसे ट्रेवल करती है. उसके बाद में डिफ्रेक्शन, थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं कि डिफ्रेक्शन होता है, क्या चीज होती है डिफ्रेक्शन में. हालांकि हम जानते भी हैं इस चीज को कि मान लीजिए कोई भी, जैसे अगर मैं यहां पर देखूं, चलो यहां पर ही देख लो, जैसे ये मेरा हैंड है. अब ये जो मेरा हाथ है, मैं इस बोर्ड के जितने ज्यादा पास में रखूंगा, तो उस सिचुएशन में देखो, इस हाथ की जो शैडो बन रही है, छाया जो बन रही है, वो उतनी ही नीट एंड क्लीन है, शार्प है. लेकिन जैसे जैसे मैं मेरे हैंड को दूर लेकर जाता हूं और मैं गैप इंक्रीज कर रहा हूं बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्स्टेकल, दिस इज ऑब्स्टेकल नाउ, दोनों के बीच में जैसे जैसे मैं गैप इंक्रीज करता जा रहा हूं, आप देखिए मेरी जो शैडो है वो धीरे धीरे क्या हो जा रही है, ब्लर होती जा रही है. और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये शैडो है वो गायब हो जाती है. दिस पैटर्न इज नोन एज डिफ्रेक्शन. और ये भी किसके कारण होता है, ड्यू टू वेव्स. उसके बाद में पोलराइजेशन. तो पोलराइजेशन विच इज ऑल्सो ए फिनोमिना बेस्ड ऑन दी वेव नेचर ऑफ लाइट. तो अब बड़ा कंफ्यूजन आ गया था कि अब लाइट को माने तो माने क्या. आज तक तो हमने ये पढ़ा था कि लाइट वेव की फॉर्म में चलती है, फिर किसी ने ये कह दिया कि ना साहब, उसमें तो पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है. और इस सारे जो कन्फ्यूजन था, इसको बाद में दूर किया था मैक्स प्लांक ने. उन्होंने फिर क्वांटम थ्योरी दी थी और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, दोनों के प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें, उसमें वेव नेचर भी होता है और उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है. और इस पर मोहर किसने लगाई थी, अल्बर्ट आइंस्टीन लगाई थी. इतना सब कुछ हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अभी मैन आदमी तो बचा हुआ ही था, और वो था डी ब्रॉगली. साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने एक लाइन बोली थी और उस लाइन ने तहलका मचा दिया, और इसी लाइन ने उनको नोबेल प्राइज दिला दिया था. और वो लाइन क्या थी कि एज द लाइट हैज ड्यूअल नेचर, कौन कौन से, पार्टिकल एंड वेव. एज द लाइट हैज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, सेम एज एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विद इट. देखो, कुछ वर्ष की एक लाइन है और इस लाइन ने उनको नोबेल प्राइज दिलाया, लेकिन इस लाइन को लिखने में उन्होंने कई सारे साल लगाए थे. क्या कहती है ये लाइन कि ठीक है, हमने मान लिया कि लाइट पहले वेव थी और उसमें किसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी हैं, क्योंकि लाइट फोटॉन्स की फॉर्म में ट्रेवल होती है. एंड फोटोन इज ए बंडल, इज ए एनर्जी पैकेट. देन पैकेट है तो इसका मतलब उसमें दोनों प्रॉपर्टीज होगी,
पैकेट है तो उसमें वेव भी है क्योंकि डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ वाली वेव्स उस पैकेट के अंदर होती हैं, और वो बंडल है तो इसका मतलब पार्टिकल भी है। तो लाइट जो है वेव है, और वेव है तो उसके साथ साथ वो कौन से नेचर को भी रिप्रेजेंट कर रही है, पार्टिकल नेचर को भी कर रही है। बट इन्होंने तो जस्ट उल्टा बोल दिया था। डी ब्रोगली ने कहा कि हर जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट चाहे आप हैं चाहे मैं हूं चाहे मार्कर है चाहे ब्लैक बोर्ड है, बशर्ते मूव करना चाहिए, हर जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके साथ हमेशा एक वेव रिलेट करती है। यानी एक पार्टिकल भी किसकी तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, वेव की तरह बिहेव करता है। एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विद इट, यानी हर पार्टिकल के साथ एक वेव है वो रिलेट करती है, और यही डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी। अब उन्होंने बोल दिया लेकिन वो इस चीज को प्रूव नहीं किया, उनसे पूछा गया। अब ऑब्वियसली बात है अपोज करने वाले बहुत सारे होते हैं, मेरे भी हैं, आप लोगों के भी हैं, जो हमारी चीजों का विरोध करते हैं, हमने जो कह दिया उसको अपोज करेंगे। तो वैसे भी इनके भी विरोधी बहुत सारे थे, उन्होंने कह दिया कि साहब ठीक है, मान लेते हैं कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव होती है। पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके साथ एक वेव रहेगी, प्रोटॉन मूव कर रहा है उसके साथ एक वेव रहेगी, न्यूट्रॉन मूव कर रहा है उसके साथ एक वेव रहेगी। बट इस चीज को प्रूव तो करो, बोलो ना, प्रूव नहीं करेंगे, हमने बोल दिया तो बोल दिया कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव है वो रिलेट करेगी। बात गई बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन के पास, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी इस चीज को कहा कि भाई हो सकता है, हालांकि प्रूव तो नहीं हो पाया था। बाद में इसको प्रूव किया था दो साइंटिस्ट, डेविशन एंड जर्मर, दो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आगे इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, और वहां पर इस चीज को प्रूव किया गया, उस पर मोहर लगाई गई कि हाँ एक पार्टिकल भी किसकी तरह बिहेव करता है, वेव की तरह बिहेव करता है। और वहां पर उन्होंने प्रूव करके दिखाया था कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करता है, वेव की तरह बिहेव करता है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिस प्रकार से एक वेव एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है वैसे ही एक मूविंग पार्टिकल एक वेव की तरह बिहेव करता है। तो बच्चों ये थी डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस। अब देखो यहां पे, अगर वो पार्टिकल है तो पार्टिकल है तो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो वेव की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी वेवलेंथ होती है, कि अगर वेव है तो ऑब्वियसली बात है उसमें वेवलेंथ भी होगी। तो फिर वो जितने भी सारे जो मूविंग पार्टिकल्स हैं उनकी वेवलेंथ कितनी होगी, इसके बाद में उसके लिए फॉर्मूला दिया था डी ब्रोगली ने, क्या है आइए देखते हैं। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए वेव विच इज रिलेटेड टू ए पार्टिकल। तो कोई भी जो पार्टिकल है उसके साथ जो वेव रहेगी उस वेव की हमें वेवलेंथ है वो कैलकुलेट करनी है। अब हम जानते हैं कि लाइट है वो किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, फोटॉन्स की फॉर्म में। तो एज वी नो दैट एनर्जी ऑफ ए फोटोन क्या होता है बच्चों, इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, एच न्यू होता है, न्यू की जगह हम पुट कर सकते हैं सी अपॉन लेमडा, देन एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, इक्वेशन नंबर वन। और सेकेंड एनर्जी मास रिलेशन क्या था, इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, एक ये वाला इक्वेशन और एक कि हर ऑब्जेक्ट का मास उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन ऐसी थी जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिलाया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी बहुत बड़ी बात कही थी कि हर जो एक मास वाला पार्टिकल होता है उसके पास मास होना चाहिए, उसके पास उसके मास के इक्विवेलेंट क्या होती है, एनर्जी होती है, और वो कितनी होती है, इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। देन फ्रॉम मास एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, एम सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू। देन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू आई कैन राइट दैट
SC upon lambda will be equals to MC square by equating both sides. Now here, C से C cancel, एक काम करें, mass calculate कर लें, then mass M is equals to H upon C into lambda. C से इधर डिवाइड कर दिया, तो ये जो पार्टिकल है, फोटोन है, उसका क्या हो गया, मास हो गया. हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं. तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए M आ गया. अब सबसे पहले अपन देख लें उसका मोमेंटम. देखो पार्टिकल है, पार्टिकल है तो फिर मोमेंटम भी तो होगा, क्योंकि पार्टिकल में क्या होता है, मास होता है, और मास होगा तो उसका मोमेंटम भी होगा. देन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या फॉर्मूला है बच्चों, मोमेंटम का P इज इक्वल्स टू एम वी होता है वैसे तो, बट यहां ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, देन P इज इक्वल्स टू एम सी. पी इज इक्वल्स टू कितना हुआ, एम की वैल्यू पुट कर दो, देन एच अपॉन सी इंटू लेमडा इंटू सी, देन पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा. ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लेमडा. देन वेवलेंथ ऑफ द वेव लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ. डी ब्रोगली वेवलेंथ, देखो बच्चों यहां से दोनों चीजों को हम साथ लेके चले, हम पार्टिकल नेचर को भी साथ में लिया है, हमने जो वेव नेचर है उसको भी हमने साथ में लिया है. कि किस तरीके से, सबसे पहले हमने क्या किया, जो पार्टिकल था उसका मास कैलकुलेट कर लिया, फिर उसका मोमेंटम हम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो मोमेंटम हमें मिल गया पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा. और देखो यहां पर एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, देन फ्रॉम हियर आई कैन राइट दैट पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा. जो भी पार्टिकल है वो जो पार्टिकल का मोमेंटम है उस पार्टिकल के साथ जो वेव रिलेट कर रही है उसकी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और यहां से वही चीज यहां से हमने डिस्कस कर ली कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो उस ऑब्जेक्ट के किसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी. और यहां से मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि लेमडा वन अपॉन लेमडा टू इज इक्वल्स टू पी टू अपॉन पी वन. कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, उन दो पार्टिकल्स के साथ दो वेव रिलेट कर रही हैं, तो उनकी जो वेवलेंथ का जो रेशियो होगा वो उनके मोमेंटम के रेशियो के इनवर्स के इक्वल होगा. तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ थी. अब यहां से हम अलग अलग जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं उनके लिए चीज है वो हम कैलकुलेट करेंगे. तो उसके लिए अब अपन देखते हैं फ्रेंड. अब देखिए अब अपन बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स. तो जो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कितनी होती है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे. डी ब्रोगली ने क्या बता दिया था कि जो भी पार्टिकल है उस पार्टिकल की जो वेवलेंथ होती है लैम्डा वो एच अपॉन पी के इक्वल होती है, या उस पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. इसको मैं ये भी लिख सकता हूं एच अपॉन एम वी. इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी ऑफ मास एम देन इट्स मोमेंटम विल बी एम वी. देन इन दिस सिचुएशन इफ लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, पहले एक काम करें उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर लें इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. एज वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी को मैं ईके से डिनोट कर देता हूं, ईके इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. देन फ्रॉम हियर वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ईके अपॉन एम, ट्वाइस ईके अपॉन एम, एंड वी विल बी इक्वल्स टू रूट ट्वाइस ऑफ ईके अपॉन एम. ये वी की वैल्यू आ गई. ये वी की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं या पहले उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर लें, देन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल पी इज इक्वल्स टू एम वी, देन एम विल बी मल्टीप्लाइड बाई रूट टू ई के अपॉन एम विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू एम ई के. दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. वी हैव डिस्कस्ड दिस इन क्लास 11. पी इज इक्वल्स टू रूट ट्वाइस एम ई के. अब देखो ये हमारे पास क्या है, मोमेंटम है, और ये मोमेंटम की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, देन वेवलेंथ, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा विल बी इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई के.
अब देखो बच्चों यहां पर ये हमारे पास उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो आ गई लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई के. अब यहां से इफ एम इज कॉन्स्टेंट, मान लीजिए जो भी पार्टिकल है वो उन दो डिफरेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और उनका मास है वो कॉन्स्टेंट है, देन इन दिस सिचुएशन लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई के. भाई एस तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, मास को मैं कॉन्स्टेंट ले रहा हूँ दो पार्टिकल्स का और टू भी कॉन्स्टेंट है, देन इन दिस केस लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई के. अब इन दिस सिचुएशन इफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स इज कॉन्स्टेंट देन रेशियो ऑफ दियर डी ब्रोगली वेवलेंथ्स लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ई के टू अपॉन अंडर रूट ई के वन, ये हो जाएगा. और अगर इफ ई के काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल्स इज कॉन्स्टेंट देन lambda will be inversely proportional to root m. उस सिचुएशन में उनका जो वेवलेंथ होगी वो उनके मास के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. इसका मतलब ये हुआ lambda 1 upon lambda 2 will be equals to root m2 upon m1. ये कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं जिन पर न्यूमेरिकल हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में इन पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स है वो बना दूंगा. तो ये तो हो गया अगर ई के कॉन्स्टेंट है, ये तब हो गया अगर उनका मास कॉन्स्टेंट है. अब इस सिचुएशन में क्या क्या फॉर्मूले हो गए, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी हो सकता है, यहां से भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है. इफ वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स इज कॉन्स्टेंट देन लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, इफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स इज कॉन्स्टेंट देन लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ दोज पार्टिकल्स. अब देखो अगर अब बात कर लेते हैं जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल है एंड न्यूट्रॉन है, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर चार्ज पार्टिकल्स यहां मैं ले लेता हूं, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला h अपॉन p h अपॉन m v h अपॉन रूट टू m e के. अब यहां बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की. इफ ए चार्ज पार्टिकल q इज एक्सलरेटेड बाय ए पोटेंशियल v, अगर किसी q चार्ज पार्टिकल को अगर v पोटेंशियल से एक्सलरेट करें तो उस सिचुएशन में बच्चों उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है qv. फर्स्ट फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं ये उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. एंड अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं तो जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट टू एम और ई के की जगह क्या पुट कर देते हैं अपन क्यू वी, देन लैम्डा विल बी इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम क्यू वी. और इसी फॉर्मूले से अब जितने भी सारे हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कैलकुलेट करेंगे. किस तरीके से, देखो सबसे पहले मैं ले लेता हूं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सलरेटेड इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज पार्टिकल है, तो एक्सलरेटेड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो क्या होगी, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लैम्डा ई इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी पोटेंशियल से हम उसको क्या कर रहे हैं एक्सेलरेट कर रहे हैं. देन फ्रॉम हियर एज वी नो दैट एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट विच इज 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, एम ई इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू 9.1 × 10⁻³⁶ kg
एच हो गया, मास हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर ये सारी वैल्यूज मैं यहां पुट कर दूं देन क्या होगा, लेमडा ई इज इक्वल्स टू एच 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई रूट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 एंड पोटेंशियल वी। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे देन आंसर विल बी 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम में है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वन मार्क का न्यूमेरिकल है, वो इस पर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या दे दिया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाएगा। 100 वोल्ट पोटेंशियल से एक्सेलेरेटेड किसी इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कैलकुलेट कीजिए। कुछ नहीं करना, वी की जगह 100 पुट कर देंगे, रूट 100 क्या हो जाएगा 10, इस नंबर में 12.27 से मैं 10 से डिवाइड कर देंगे, आंसर विल बी 1.227 एंगस्ट्रम। एंड वी नो दैट 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। इसका ध्यान रखना है बच्चों, ये मैंने जो डायरेक्ट वैल्यू बताई है लैम्डा की वो किस में बताई है, एंगस्ट्रम में बताई है। तो इस तरीके से हम किसकी कैलकुलेट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन की। अब मैं ले लेता हूं बाकी के जो पार्टिकल्स हैं उनकी, देखो किस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन के बाद में अब बात कर लें एक बार प्रोटॉन की, देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलेरेटेड प्रोटॉन, जो एक्सेलेरेटेड प्रोटॉन होगा उसके लिए फॉर्मूला तो यही है, लैम्डा लैम्डा P इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट टू मास ऑफ प्रोटॉन, Q ऑफ प्रोटॉन एंड V क्या है, जितने पोटेंशियल से हम उसको एक्सेलेरेट करेंगे। सारी वैल्यूज हम जानते ही हैं, H इज इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, सारी वैल्यू वही है। क्या चेंज हो जाएगा, एक मास ऑफ MP चेंज हो जाएगा, MP कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, दिस इज द मास ऑफ प्रोटोन। सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे देन लेमडा पी जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 0.2863 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रम। तो ये जो प्रोटोन है उससे रिलेटेड क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई कितनी, 0.2863 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रम। फिर मैं बात कर लेता हूं अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एक्सलरेटेड एक्सेलेरेटेड ड्यूट्रॉन, तो जो ड्यूट्रॉन होगा उससे रिलेटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब देखो बच्चों ड्यूट्रॉन क्या है, हमेशा याद रखना न्यूक्लियस ऑफ 1H2, 1H2 का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, ड्यूट्रॉन होता है। अब 1H2 का न्यूक्लियस इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को हम हटा देंगे। अब देखो यहां पर एक प्रोटॉन का मास और एक न्यूट्रॉन का मास एग्जैक्टली लगभग होते हैं, वो थोड़ा बहुत सेम ही होते हैं। देन जब मास ऑफ MD हम कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, दोनों का मास जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो ट्वाइस ऑफ MP भी तो लिख सकता हूं। ड्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का जस्ट डबल होता है, कितना 2 × 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg चार्ज। 1H2 के न्यूक्लियस पर उतना ही चार्ज होता है जितना प्रोटॉन पर होता है, क्योंकि एक प्रोटॉन ही तो है उसके न्यूक्लियस में। देन हमेशा याद रखना QD इज ऑलवेज इक्वल्स टू QP, ड्यूट्रॉन पर चार्ज और प्रोटॉन पर चार्ज सेम होगा। देन लेमडा डी क्या हो जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ रिलेटेड टू ड्यूट्रॉन विल बी इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट टू MD मास ऑफ ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन एंड वी पोटेंशियल। MD की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, ट्वाइस ऑफ MP, सारी वैल्यूज यहां पुट कर देंगे। देन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो ड्यूट्रॉन से रिलेटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ है विल बी इक्वल्स टू 0.202 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, ड्यूट्रॉन के लिए। ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेटेड टू एक्सलरेटेड, अब बात कर लेते हैं अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल जो है उससे रिलेटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी। तो बच्चों हमेशा याद रखना 2He4 का न्यूक्लियस, 2He4 का न्यूक्लियस क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है। अब 2He4 में दो प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो न्यूट्रॉन,
टू प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन एंड टू न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, टोटल हो गए उसमें चार पार्टिकल। तो चार पार्टिकल हो गए तो मास ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, एम अल्फा इज इक्वल्स टू 4 mp, एंड क्यू अल्फा इज जस्ट डबल ऑफ क्यू प्रोटॉन, क्योंकि दो प्रोटॉन है तो अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के पार्टिकल के चार्ज का जस्ट डबल होता है। सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट टू मास ऑफ अल्फा क्यू ऑफ अल्फा इन टू वी, एम अल्फा की जगह 4 mp, क्यू अल्फा की जगह 2 qp, सोल्व करोगे 0.101 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रम। एक अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो इतनी होती है। तो ये तो बच्चों हो गई सारी किसकी, चार्ज पार्टिकल्स की। कितने हैं इलेक्ट्रॉन, क्या याद रखोगे 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रम, प्रोटॉन 0.2863 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रम, न्यूट्रॉन 0.202 एंड अल्फा पार्टिकल 0.101 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रम। अब अपन बात कर लेते हैं जो पार्टिकल्स चार्ज नहीं हैं। अब चार्ज नहीं हैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रॉन। अब क्वेश्चन आ गया कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको तो हम एक्सेलेरेट कर सकते हैं किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर आप उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो एक्सेलेरेट हो जाएंगे, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं जैसे न्यूट्रॉन, तो इनको एक्सेलेरेट किया जाता है किससे, टेम्परेचर से। कैसे, देखो ये तो हो गया एक्सेलेरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। अब मैं बात कर लेता हूं अनचार्ज पार्टिकल्स या न्यूट्रल पार्टिकल्स, वे पार्टिकल जो चार्ज नहीं होते हैं। अब उनसे रिलेटेड क्या हो जाएगा, ये चीजें तो वही हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ इतना सारा रहेगा। अब यहां मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले न्यूट्रॉन की। इफ ए न्यूट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय टेम्परेचर टी, अगर एक न्यूट्रॉन को टी टेम्परेचर से एक्सेलरेट किया जाए तो उसकी जो एनर्जी होती है बच्चों वो हो जाती है kT, वेहर के 11th में पढ़ा था, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है 1.38 इनटू 10 टू द पावर -23 जूल अपॉन केल्विन, ये होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो यानी जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जैसे गैस पार्टिकल्स हो गए, न्यूट्रॉन हो गया, तो इनको एक्सेलेरेट किससे करेंगे हम, टेम्परेचर से करेंगे। टेम्परेचर से एक्सेलेरेट करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, kT। देन नॉन चार्ज पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2 mkT। देन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलेरेटेड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 mass ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज तो है नहीं तो इसकी जगह आ जाएगा kT। एच उतना ही है, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है जितना प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, एंड यर के बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल अपॉन केल्विन। और सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो बच्चों न्यूट्रॉन के रिलेटेड जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है विच इज 30.83 अपॉन अंडर रूट टी एंगस्ट्रम। तो न्यूट्रॉन से रिलेटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया ये, 5 हो गए न्यूट्रॉन। अब मैं बात कर लेता हूं गैस पार्टिकल्स की, जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उनके रिलेटेड। देन डी ब्रोगली वेवलेंथ रिलेटेड टू गैस पार्टिकल्स, रिलेटेड टू गैस पार्टिकल्स। तो अब बात कर ले हम गैस पार्टिकल्स की, तो गैस पार्टिकल्स के रिलेटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ, फॉर्मूला क्या है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2 mek, एंड फॉर गैस पार्टिकल्स 11th में पढ़ा था हमने गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 kT होता है, तो 3/2 kT। और ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां पर, देन लैम्डा गैस पार्टिकल्स,
इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट टू मास, और ई के की जगह पुट कर दिया 3/2 kT, 2 से 2 कैंसिल, देन फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 3 mkt एंगस्ट्रम। यहां पर जो भी वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा किसमें, एंगस्ट्रम में। तो ये बच्चों से सारे के सारे फॉर्मूले, इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। और एक बार मैं ब्रीफ में ये जितने भी सारे फॉर्मूले हैं उनको एक बार दोबारा नोट कर दूं ताकि नेक्स्ट वाली क्लास में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए आसान रहे। वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रम, अगर उसको वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाता है तो। लैम्डा ऑफ प्रोटॉन 0.2863 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रम। लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन 0.202 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रम। लैम्डा ऑफ अल्फा 0.101 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रम। ये चार तो थे चार्ज्ड, नॉन चार्ज कौन से हैं, न्यूट्रल। लैम्डा न्यूट्रॉन तो 30.83 अपॉन अंडर रूट टी, इसको हम टेम्परेचर से एक्सेलेट कर सकते हैं। तो ये मेन चीज है, ये पांच फॉर्मूले हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।